हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का सिर्फ 50% किराया ही लगेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से इसका ऐलान किया था, वहीं अब महिलाओं से आधा किराया ही लिया जा रहा है। महिलाएं सरकार के इस तोहफे से खुश नजर आ रही हैं। अभी HRTC बसों में सफर करने पर महिलाओं को किराए में 25% छूट मिलती है, लेकिन अब 50% किराए में छूट दे दी है। शुक्रवार को महिलाओं से HRTC बसों में परिचालकों ने आधा किराया लिया और किराए में छूट मिलने से महिलाएं भी खुश नजर आई। महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिली है। महंगाई के इस दौर में पहले ही घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है, वहीं सरकार द्वारा 50% तक किराए में छूट देने के फैसले से राहत मिली है। हालांकि महिलाओं ने निःशुल्क बसों में सफर करने से इनकार किया और कहा कि मुफ्त योजना नहीं होनी चाहिए। बता दें, हिमाचल दिवस के मौके पर महिलाओं को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% तक की छूट देने की घोषणा की थी और 30 जून से इसकी सुविधा महिलाओं को दी गई है। हालांकि HRTC बसों में राज्य से बाहर जाने पर किराए में यह छूट नहीं दी जाएगी। प्रदेश में HRTC के बेड़े में करीब 3000 बस शामिल हैं। बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऐसी भी महिलाएं जो नहीं इतना ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, और इससे सारी महिलाओं को फायदा है। CM साहब ने बस किराए का डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक लेडीज़ को अपना रसोई का भी खर्चा चलाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और जिसके परिवार में 2 बेटियाँ हैं खुद है, तो 4 बंदों ने अगर सफ़र करना है उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस योजना से। तो जितना गवर्नमेंट कर सकती है उतना ही गवर्नमेंट पे लोड डालना चाहिए, 100% अगर नहीं तो 50% हमारे लिए सफिशेंट है। इस तरह की योजनाएं के लिए हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए ये पहली सरकार है जिसने महिलाओं के लिए इतना सोचा, महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को 50% के साथ साथ और भी कई योजनाएं जो है BJP सरकार ने महिलाओं के लिए चला रखी है, जिससे महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे होगा कि लोगों में थोड़ी मतलब कमाने की जो भावना है वो कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।